सिल्वर स्क्रीन पर अब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की जोड़ी बाहुबली फेम एक्टर प्रभास के साथ बनने जा रही है और इस फ्रेश एंड एंटरटेनिंग जोड़ी को निर्देशक नाग अश्विन अपनी अगली फिल्म में एक साथ ला रहे हैं। नाग अश्विन एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके लीड एक्ट्रेस के लिए बाहुबली स्टार प्रभास और दीपिका को नाग अश्विन ने साइन किया है और इस फिल्म के लिए जहां दीपिका तेलुगु फिल्म में डेब्यू करेंगी वहीं ये आने वाली फिल्म प्रभास की 21वीं फिल्म होगी। और अब इस फिल्म को साइन करते ही दीपिका ने कमाई के मामले में एक इतिहास रच दिया है। आपको बता दें इस फिल्म के लिए प्रभास को 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है तो वहीं दीपिका ने 20 करोड़ रुपए में इस फिल्म को साइन किया है और इस राशि के साथ ही अब दीपिका को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री बना दिया है। फिलहाल अभी तक इस फिल्म का कोई टाइटल नहीं दिया गया है। तेलुगु फिल्म निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी वैजयंती मूवीज इस स्पेशल वेंचर के साथ अपने 50 साल के सफर को भी पूरा करेगी। ये फिल्म एक बड़े बजट वाली होगी और इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। दीपिका पादुकोण स्क्रीन पर जितनी लाइव और एक्टिव दिखती है उससे कहीं ज्यादा वो रियल लाइफ में खुश मिजाज और जिंदा दिली है। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा दीपिका के कई दोस्त हैं जो उन्हें बेहद प्यार करते हैं। उनमें से एक है स्नेहा रामचंद्र। आपको बता दें दीपिका के ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके करीबी मित्र अक्सर डिप से जुड़े कई बातों को शेयर करते रहते हैं जिनमें से मेघना गुलजार, रणवीर सिंह और इम्तियाज अली का नाम भी शामिल है। और अब दीपिका की बेस्ट फ्रेंड स्नेहा ने भी फ्रेंडशिप डे के मौके पर पीकू एक्ट्रेस के लिए एक स्पेशल नोट लिखा था। स्नेहा ने लिखा है कि दीपिका उनकी बहुत ही पुरानी दोस्त है जिनके साथ उनकी गहरी दोस्ती है और जिसके साथ वो घंटों बातें कर सकती है। स्नेहा ने लिखा कि उनकी दोस्त दीपिका की आंखों में हमेशा प्यार दिखता है जिससे पता चलता है कि वो आपकी कितनी परवाह करती है। स्नेहा ने डिप्स की एक नॉटी और इंटरेस्टिंग हरकत के बारे में बताया कि ओम शांति ओम एक्ट्रेस जब भी बाहर कहीं घूमने जाती थी तो वो वहां से उनके लिए होटल के कमरे से हमेशा शैम्पू की छोटी छोटी बोतलें चुरा कर ले आती थी क्योंकि वो स्नेहा को बहुत पसंद है। स्नेहा ने ये कहा कि वो बहुत खुशनसीब है क्योंकि दीपिका उन्हें बेइंतहा प्यार करती है। इस तरह से अक्सर दीपिका के लिए उनके दोस्त हमेशा अच्छे अच्छे पोस्ट करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले इम्तियाज अली ने भी लिखा था कि दीपिका से जब वो पहली बार मिले थे तभी उन्हें डिप्स की आंखों में सच्चाई दिख गई थी और इम्तियाज अली देखते ही समझ गए थे कि ये वही लड़की है जिसके साथ वो काम करना चाहते हैं।